एक्चुअली जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमारे यहाँ की प्रजा जो कुछ रोज़ काम करके खाने वाले हैं वो परेशान थे। कुछ लोगों का फ़ोन मेरे पास आया कि मेरी सहायता की जाए, हम खाने के लिए परेशान हैं। तो दो तीन दिन तक हम लोग पूड़ी और साग का और भाजी का, उसके बाद खिचड़ी का, ये सब प्रोग्राम किए। मुझे ऐसा लगा कि खिचड़ी देने से इनका पेट तो एक बार भर सकते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि दो चार दिन या दस दिन तक ये लोग खा सकें। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि प्रत्येक को 20 किलो या 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, दाल, नमक, तेल, ये सब दे दे करके दे दिया जाए। तो उनकी पूरी फैमिली कम से कम एक हफ्ते या 5 दिन या 10 दिन, जैसी छोटी बड़ी फैमिली हो, वो लोग गुजारा कर सकते हैं। एक दिन हम खिचड़ी दे दें या पूड़ी रोटी दे दें, साग रोटी दे दें, तो नहीं हो सकता, पेट एक बार भरा जा सकता है। लेकिन मेरे भी दिमाग में ऐसा आया कि अगर हम इनको कुछ ऐसा वस्तु दे कि ये रोज़ रोज़ की परेशानी ना उठाकर कम से कम उनका एक हफ्ते का खाने का हो, इसलिए मैं एक बहुत छोटा सा किट बनाया जिसमें दाल है, चावल है, आटा है और नमक, तेल, ये सब हम करके मेरी पर्सनल ये जहाँ पर हम खड़े हैं महालक्ष्मी बेकरी, इस बेकरी ने अपनी तरफ से इन गरीब इंसानों को दे रही। मित्र, प्रतिदिन मेरा एक लक्ष्य है कि हम 10 जन को किट दें, क्योंकि हम इतने बड़े तो धन साहूकार नहीं हैं, फिर भी हम एक दिन में 10 परिवार को एक किट देते हैं। जब से लॉकडाउन चालू हुआ 22 तारीख से, आज महीने से ऊपर हो गया है, हम प्रत्येक दिन देते चले आए हैं। किसी दिन बढ़ जाते हैं, किसी दिन कम हो जाते हैं, अलग की बात है। और हमारा एक लक्ष्य है कि हम एक दिन में 10 परिवार को किट दें, और नियर अबाउट ये 2-3 दिन तक और हम चलाएंगे। 3 तारीख तक का हमारा लक्ष्य है, जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग किट देते रहेंगे। मित्रों, मारू नाम दीपूभाई झाला है, हूँ अंबिकानगर नो रहवासी। सौथी पहला तो एमनो धन्यवाद कहवो जोईए कि आवा नाजुक समय नी अंदर आटली मदद अने खरेखर जे जरूरियातमंद छे एमना सुधी तपास करी अने जेने जरूर छे, नौकरियात छे, अत्यारे कोई काम धंधो नथी मळतो, एमने रोजी रोटी मळे एवो एमनो प्रयत्न છે અને એમને અમે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ।